नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, भारत एट नाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज भारत में एक बहुत बड़ा दिन, वैसे तो कल का दिन बहुत बड़ा था, पर आज मैं उस घटना को बता रहा हूं, तो आज का एक बहुत बड़ा दिन जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, वो है POK। अब POK है क्या? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान ने जिस क्षेत्र में कब्जा किया है कश्मीर के, जो कि हिंदुस्तान का था, उसको POK कहते हैं। अब POK की जब बात होती है तो कई लोगों के समझ भी नहीं आता कि कौन से कश्मीर की बात हो रही है, क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता कि कश्मीर का जो आधा कुछ हिस्सा वो आज पाकिस्तान के पास है, जहाँ से वो आतंकवादी गतिविधियाँ अपनी सारी करता है। वहाँ का डेवलपमेंट पर कभी कोई काम नहीं किया, पर उसको एक तरह से बेस बनाया हुआ है आतंकवाद का। तो जब से BJP आई है, तब से BJP ने हमेशा से एक मोर्चा खोला है, जैसे कि पाकिस्तान से इस POK वाले पार्ट को वापस लेना, और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर हमेशा घिरती हुई नजर आई। कांग्रेस की मजबूरियां भी बहुत सारी हैं, और जैसे जैसे आज आप देख रहे हैं कि तीन प्रदेशों में अपनी सरकार बनाने में विफल हुए, तो और बुरी तरह से घिर गए। और BJP ने एक मोर्चा सा खोल दिया है जैसे कांग्रेस के प्रति, कि जो भी इनकी गलतियां हों उनको आगे लाओ, और वो इनसे एक्सेप्टेंस लो कि ये गलती है और इस पे मोहर लगाओ। अब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि कांग्रेस एक तो हिंदुत्व के रास्ते से भटक गई, जहां वो हिंदुत्व के रास्ते से भटकी, जैसे कि राम मंदिर से भटकी। राम मंदिर की कहानी भी कुछ पुरानी है, जहां कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल था, पर उन्होंने वो आधे रास्ते में छोड़ा। कहा जाता है कि जिस टाइम पे राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था, पर उसके आगे राम मंदिर को लेके कुछ नहीं किया, जो BJP ने इसको इनकैश किया और इसको लेके पूरा इलेक्शन, पूरे देश प्रदेशों में अपनी सरकारें बना ली। आज POK भी कुछ ऐसी स्थिति है, और ऐसी कई सारी स्थितियां हैं जो कांग्रेस के समय पे गलतियां हुई। चाचा नेहरू द्वारा जो गलती की गई थी उसको कल लोकसभा में खूब उछाला गया, और बड़े शालीनता से, बड़े तरीके से BJP ने इसको भुनाया। कहा कि चाचा नेहरू से कहां कहां गलती हुई, POK हमारा होता अगर 3 दिन पहले सीज फायर को अनाउंस ना करते। जब हम पंजाब के अंदर बढ़ चुके थे तो 3 दिन और वेट कर लेते तो POK का जन्म ना होता। इसी प्रकार से पूरी स्टोरी में चेंज करते उन्होंने सीट भी बढ़ा दी। मैं आपको जैसे बता दूं, पहले 37 सीटें थी वहां पर, अब वो 43 सीट हो गई है। मैं कहूं कि पहले जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पास कर दिया गया। अमित शाह का जवाब, जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा ने पास कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज इसे संसद में पेश किया। पहले जम्मू में 37 सीटें थी, नए विधेयक के तहत इन्हें अब बढ़ाकर 43 कर दिया गया। वहीं कश्मीर से पहले 46 सीटें थी, नए विधेयक के तहत इनको संख्या बढ़ाकर 47 कर दिया गया। और POK पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए एक नए विधेयक में 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, POK हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे, और उन्होंने वहां 24 सीटें आरक्षित कर दी। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी, ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। अब कांग्रेस बड़ी तिलमिलाई इसमें, ना घूटा जा रहा था ना थूका जा रहा था, क्योंकि जो 370 धारा हटने के विरोध में थे वो कौन कौन थे, मैं आपको बता दूं, अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जो 370 को बिल्कुल हटाना नहीं चाहते थे,
आज वह एनडीए गठबंधन के अहम रोल में है और बीजेपी को हराने के लिए सब एकजुट हो रखे, पर कांग्रेस कैसे कहे कि ये गलत है, हम पीओके हमारा नहीं है, कि चाचा नेहरू ने तो इसको ऑलरेडी ऑक्यूपाइड कश्मीर में दे दिया है। तो यह बन गया गले की फांस। अगर इसको पास नहीं करते तो बीजेपी इसको दूसरे ढंग से बुनाती कि देश विरोधी के रूप में, देश को बांटने के रूप में, जिस प्रकार से आजकल आप देख रहे हैं कि भारत देश दो भागों में बंटता जा रहा है, हिंदी भाषी और साउथ वाली जो लैंग्वेज बोली जाती है उस तरह की दो भाषा में इसको बांट दिया गया। मैं बहुत सरल तरीके से आपको बता रहा हूं ताकि मेरे ऑडियंस जो है उसको समझ सके। तो दो भागों में जब हिंदुस्तान बढ़ता जा रहा है तो बीजेपी इसको बोलते हैं कि सारे मुद्दे कांग्रेस के सामने वही ला के रख रही है जिस पे वो कुछ कर नहीं सकते सिवाय कि हाथ उठाने के, गर्दन हिलाने के और बोलने की बिना मन के समर्थन देने के आप कुछ नहीं कर सकते। तो किसी ना किसी तरह से कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है चारों खाने। आप जिस तरह से स्थिति देख रहे हैं, इंडिया अलायंस में पोजीशन खराब हुई कांग्रेस की, जो पहले से उनको लीडर मान के चल रहे थे अब वो लीडर मानने को तैयार नहीं है। अलायंस में वो बात कर रहे हैं कि सीटों को बंटवारा किस तरह से होगा पहले हम बताएंगे। कांग्रेस की पोजीशन दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अब मैं आपको कुछ दिखा दूं कि पीओके जो है हमारे लिए अहम क्यों है। पीओके की जमीन जो है हमारे लिए आतंकवाद के लिए, हमारे पे आतंकवादी घटनाओं के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। और वहां के लोगों की भी मैं आपको थोड़ी सी झलक सुना दूं कि वहां के लोग चाहते क्या है। आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। कौन सा ऐसा इलाका जो नहीं मिलना चाह रहा, पूरा पाकिस्तान या इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है। तो आपने देखा कि वहां के लोग भी चाहते हैं कि वो भारत का हिस्सा बने। अब भारत का हिस्सा बनने के लिए जब पीओके रेडी है तो कांग्रेस क्यों ना हो। कांग्रेस की मजबूरियां बनती जा रही है। अब नेहरू जी की गलतियां गिनाई गई जिसमें कांग्रेस थोड़ा बहुत तिलमिलाई बट कुछ कर ना पाई। उन्होंने कहा भाई ये मैंने नहीं कहा है, ये तो नेहरू जी ने कहा है। मैं नहीं कहता कि नेहरू जी हानिकारक थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो बोल रहा बहुत उपयोगी थे, पर इतिहास ऐसा कह रहा है कि नेहरू जी हानिकारक थे। तो पीओके की पूरी कहानी कहीं ना कहीं 2024 से जुड़ती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से अमित शाह धीरे धीरे एक एक ऐसे बिल लेके आ रहे हैं सामने जहां कांग्रेस को बोलते हैं कि घेरना और उनसे समझौते के नाम पर अब साइन करने ही पड़ेंगे। हमारे रक्षा मंत्री ने भी कहा था कुछ दिन पहले, आपने सुना होगा, उनके बहुत बड़ा बयान था पीओके हमारा है, हम इसको लेके रहेंगे। और विधानसभा में भी 3-4 साल पहले इसकी चर्चा हो चुकी है। अमित शाह ने बड़े चिल्ला के और जोर से कहा था एग्रेसिव रहो, वो हमारा अंग है। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत देश में एक आवाज़ जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, जनवरी 22 के बाद चीज़ें बदलेंगी। यकीन नहीं आता तो आप देखते रहिए, ज़्यादा दिन नहीं है, डेढ़ महीना रह गया है। जनवरी 22 के बाद बदलेंगे, पूरा भारत देश एक लहर की तरफ चलेगा और लहर ऐसी होगी कि पीओके भी शायद हमारा हिस्सा ना हो जाए। सेनाएं तैयार हैं, प्लानिंग रेडी है और पाकिस्तान डरा हुआ है, उसकी स्थिति खराब है। तो बड़े प्यार से भी आ सकती है चीजें। तो चलिए पीओके को समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि पीओके कब बना और किस तरह से हुआ। 1947 की आजादी के बंटवारे में जम्मू कश्मीर को का अस्तित्व का स्वतंत्र रियासत के तौर पे था, मतलब वहां पर हरि सिंह राजा थे और एक स्वतंत्र प्रदेश के तौर पे उसको
घोषित कर दिया गया कि भाई वो विलय नहीं कर रहे हैं इंडिया के अंदर और वो एक स्वतंत्र प्रदेश रहेगा। पाकिस्तान से सटे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में जबरन कब्जा कर लिया गया, मतलब पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पे जबरन कब्जा कर लिया। तब हरी सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी और इसको भारत में विलय करने की स्वीकृति दी। तब हमारी सेनाओं ने जाकर जहाँ जहाँ कब्जा हुआ था वो छुड़ाते चले गए। कौन कौन से थे, किन के विद्रोह से ऐसा हुआ था वो भी बता दूँ। गिलगित और बाल्टिस्तान के विलय के बाद हरी सिंह को लोकल कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने महाराजा के खिलाफ बगावत कर दी थी। गिलगित बाल्टिस्तान को आज़ाद घोषित कर दिया था। कमांडर के विद्रोह को देखते हुए हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत में विलय को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। करीब 3 हफ्ते बाद के बाद पाकिस्तान सेना के ने गिलगित बाल्टिस्तान पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। उसमें जम्मू का भी कुछ हिस्सा है, ये पूरा इलाका पीओके कहलाता है। तो समझिए कि ये थोड़ा सा हरी सिंह साहब से गलती हुई, राजा हरी सिंह जिन्होंने इसको पहले विलय नहीं किया, बाद में किया जब उनके ऊपर हमला हो गया, उनके ऊपर कब्जा हो गया। तो ये हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर को देखेंगे तो हमारे शीर्ष वाला जो हुआ है वहाँ पर हमारा जम्मू एंड कश्मीर दिखाई देता है नक्शे में, अगर आप देखेंगे, जिसको कई बार आपने देखा होगा। कई, जैसे मैंने बाकी प्रोग्राम में भी कहा कि कई खालिस्तानी खालिस्तान को अलग काट देते हैं, कहीं शीर्ष को अलग काट देते हैं कि यह हिंदुस्तान का अंग नहीं है, इसी बात पे विरोध होते हैं। और यही उनकी भी लड़ाई है और यही हमारी भी लड़ाई है कि यह भारत का अभिन्न अंग है। तो पाकिस्तान ने पीओके की डेमोक्रेसी बदल दी। कब? 1947 में जिसे पूरा क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा किया उसे 2 भागों में बांट दिया, गिलगित बल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर कहने लगा। और वास्तव में पाक अधिकृत कश्मीर है। गिलगित बल्टिस्तान का क्षेत्र 28,147 वर्ग मील है। यहाँ की राजधानी गिलगित है, जबकि पीओके का क्षेत्रफल 5,134 वर्ग मील है और यहाँ की राजधानी मुजफ्फराबाद है। यहाँ की कुल आबादी करीब 60 लाख मानी जाती है। अब सोचिए कि यहाँ के 60 लाख लोग चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान में आ जाएं, क्योंकि उनको पाकिस्तान का कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। खाने को आटा नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, और पेट्रोल तो खैर है ही नहीं, आटे के भाव आपने देख ही लिए होंगे। तो ये सही समय है जब बीजेपी ने इसको बिल्कुल रखा है और पाकिस्तान में इसकी खलबली भी देखी जा रही है। पाकिस्तानी चैनल्स में आप देखोगे तो इसकी बड़ी चर्चाएं तेज हो गई हैं कल से, कि पता नहीं हिंदुस्तान कब पाकिस्तान पर हमला कर दे और कब पीओके उनके हिस्से में चला जाए। ये तो हुई पीओके की बात। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कांग्रेस के हितैषी हैं और उनको क्या फैसले लेने हैं और क्या नहीं लेने हैं, किस तरह से आपको आज भारत देश को बचाना है या भारत देश में एक अपोजिशन स्ट्रांग करना है, उसकी रणनीति बनाने वाले उनके जो सलाहकार हैं वो सब गायब हैं। पिछले 3 तारीख से सारे सलाहकार इनके अगेंस्ट में बोल रहे हैं और बोलते हैं कि इनकी गलतियों का भंडार खोलते जा रहे हैं। जो कल तक इनकी सारी गलतियां छुपाते थे, आज वो सारी गलतियां, कहां कहां गलती हुई, क्या गलती हुई, किस लिए करी, इतना सारा कुछ इनको 3 तारीख की शाम को सब पता लग गया था। तो क्या इनको 3 तारीख से पहले नहीं पता था? ये प्रोग्राम, मैंने फिर कहा, ये प्रोग्राम उनका पहले भी बन सकता था जहां कांग्रेस को ये सचेत कर सकते थे अगर उनके हितैषी थे। पर मैं फिर कहूँ, ये पत्रकार उनके हितैषी नहीं थे, ये पैसों के भूखे थे जो इन्होंने व्यूज़ के द्वारा कमाया। और इन्होंने देखा कि नेगेटिव मानसिकता अगर जितनी ज़्यादा फैलाई जाए उससे खूब पैसा आता है। आरोप और कमेंट्स हमारे को भी आए कि हम बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं। हम बीजेपी के पक्ष में नहीं, हम देश के पक्ष में बोलते हैं।
और कहीं ना कहीं हमको ये बोला गया कि आप बीजेपी प्रो हैं इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये है वो है। हमने बीजेपी के पक्ष में एक भी बात नहीं कही, हमने कहा वो मजबूती से लड़ रहे हैं और रोज़ लड़ते हैं, आप देर से उठते हैं देर से लड़ते हैं इसलिए आप हारते हैं, ना आपको रणनीति बनानी आती है और ना ही आप किसी की रणनीति को फॉलो करते हैं। कल कुछ पत्रकारों के कमेंट्स आए और अपने वीडियो विरोध में बनाए, अब बड़े अपशब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने किसके लिए किया ये तो वही जानते हैं, बोलते हैं कि जब सामने वाले को समझ में ना आए कि आप किसको कह रहे हैं तो वो शायद बातें आपको खुद पर लगती हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कभी कुछ बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया, वो किसके लिए किया ये बहुत बेहतर, मैं तो बहुत छोटा सा वो हूँ और जिसमें पत्रकारिता में मैं उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ, पर जो भी कहा वो पत्रकारिता नहीं है, आपने अपना काम किया, आपने अपने व्यूज़ के लिए काम किया, आपको सुनने वाले आपके लोग अलग से हैं, आपको सुनते होंगे, आपसे सहमति वो रखते होंगे, हर कोई आपसे सहमत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो आप अपना गुस्सा पब्लिक को ना दिखाएं, अपने काम पर फोकस करें तो बेहतर होगा, ये मेरी उनको सलाह है। मैं एक चीज़ और समझा दूं इन पत्रकारों को कि अपने वीडियोस अब एक बार दोबारा से खंगालें, जब जब आपने पॉजिटिव बात की है आपके व्यूज़ कम आए हैं, जहां आप मिलियंस में थे वो व्यूज़ आपके अब हज़ारों में रह जाते हैं, जब जब आप भारत देश को तोड़ने की और बांटने की बात करते हैं आपके व्यूज़ मिलियंस में जाते हैं, तो इसका मतलब आप या तो नाटकीय भूमिका में हैं या फिर आपको सुनकर कोई मजे ले रहे हैं, तो आप ये ना समझें कि आपकी पत्रकारिता में दम है इसलिए आपको सब सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको जय जयकार करने वाले कुछ लोग होंगे, उसमें आप कमेंट्स पूरे पढ़िए, आपको 6-7 हज़ार कमेंट्स आते हैं उनको पूरा पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि आपकी पत्रकारिता एक तरफा जा रही है। तो ये मैं उन पत्रकारों से इसलिए कर रहा हूँ कि कल उन्होंने कुछ वीडियो आए, मैंने कुछ देखे जहाँ मुझे लगा कि शायद ये अपनी पत्रकारिता भूल कर अब ये आमने सामने की लड़ाई लड़ने के चक्कर में हैं, तो मैंने उनको कहा कि थोड़ा सा आप समझ जाए। तो भारत देश को बांटने की जहाँ बात होगी वहाँ बार बार ही इस तरह के विचार आएंगे। कांग्रेस को अगर आपको मजबूत करना है, अपोजिशन को मजबूत करना है, तो उनको गलतियाँ भी बतानी पड़ेंगी, पर समय अनुसार, समय पर। जब बोलते हैं कि सब कुछ लूट जाएगा उसके बाद आप बताएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो समय पर बताने पर हमने यही कहा कि जिस तरह से बीजेपी अब पीओके के मैटर में घेर रही है, राम मंदिर में घेरा, आपको सनातन पे घेरा, आप घिरते चले जा रहे हो क्योंकि आपके इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे इत्तेफाक नहीं रखते, ना वो सनातन से इत्तेफाक रखते हैं, ना वो राम मंदिर से इत्तेफाक रखते हैं और ना ही वो पीओके से इत्तेफाक रखते हैं। तो बीजेपी ने आपकी नफ्स पकड़ ली है, अब आप बोला जाए तो कैसे भी करके आपको मानना पड़ेगा कि आपको दस्तखत तो करने पड़ेंगे और संशोधन भी पास करने पड़ेंगे, जितने भी आप बिल आएंगे बीजेपी के आपको करने पड़ेंगे क्योंकि आप पे जवाब नहीं है। तो भारत एट नाइन में आज बहुत सरलता से हमने बताया कि पीओके है क्या, ये हमारा है और क्यों है, किस कैसे हुआ था, कौन इस पे पहले राज करता था, इस सब के बारे में बताया। आज बहुत सरलता से मैंने इस वीडियो को रखा है ताकि मेरे ऑडियंस जो है, जो मुझे सुनती है, वो थोड़ा सरलता से इसे समझे कि क्यों ये हमारे लिए इतना ज़्यादा अहम है। कई बार अंग्रेजी में समझ नहीं आता कि पीओके कौन सी उसकी बात कर रहे हैं, बट मैंने इसीलिए सरलता से बताया कि पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान ने जिसको कब्जा किया हुआ है वो भारत का अभिन्न अंग कश्मीर का एक हिस्सा है। तो भारत एट नाइन में आज इतना ही, कल हम किसी और मुद्दे पे बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।